करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपना टीचर का नाम लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य शासन कैसे काम करता है। तो हम शासन की कार्य प्रणाली के बारे में आज जानेंगे कि किस तरह से काम करता है। तो देखिए इसके चार पार्ट हैं, यहाँ आपको दिए गए हैं। पहला लिखा है कि विधानसभा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देना। दूसरा, समाचार पत्र या प्रेस वक्ता जो है उनको जानकारी प्रदान करना। इसके अलावा लिखा, समस्याओं से निपटाने के लिए कानून बनाना। इसके अलावा मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न भागों को चलाना। ये सब शासन की कार्यप्रणाली है। तो चलिए एक एक लाइन से पढ़ते हैं। तो लिखा, जैसा कि हम पिछले कार्य पत्रक में पढ़ चुके हैं कि विधानसभा एक ऐसा स्थान है, ठीक है, जहाँ सभी विधायक चाहे वे सत्ता के पक्ष में हो या सत्ता के विपक्ष हो, सब एक साथ बैठते हैं और विभिन्न बातों पर चर्चा करते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए सरकार राज्य के लिए नया कानून बनाने का निर्णय लेती है, ठीक है, तो उसे बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न सरकार जो विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं, ठीक है, तो सरकारी विभाग ही इन्हें लागू करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, विधायक समूह के रूप में, यानी कि विधायक जो है वो सामूहिक रूप से सरकार में काम करते हैं और उसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं। इसके अलावा बताते हैं कि सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य उस विभाग से है जिसमें कुछ अंग होते हैं, कुछ भाग होते हैं और कुछ मंत्री होते हैं, जिनका जो हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं। ठीक है, सही मायने में तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो हिस्सा है ये सब काम करता है सरकार को, जैसे हम कार्यपालिका के अंदर लाते हैं। आप सब जानते हैं कार्यपालिका के जो आपके सरकार है उसके तीन प्रकार होते हैं, एक होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, तो शायद न्यायपालिका हम नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको ही जान लेते हैं। तो लिखा है, दूसरी तरफ अगर हम विधायिका की बात, इसको तो विधायिका कहते हैं, दूसरी तरफ अगर हम विधानसभा में एकत्रित लोगों की बात करें तो उसे हम विधायिका कहते हैं। यानी विधायक के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से जो काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके कामों की जांच भी लेते हैं, यानी जो काम किया है वो सही हुआ या नहीं ये भी वो लोग देखते हैं। लोकतंत्र में विधायकों, यानी कि जो लोकतंत्र में आपके विधायक हैं, ठीक है, विधायक के रूप में जाना जाता है, प्रतिनिधि चुनती है और इसके अलावा तरह तरह के शासन ये सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ लिखा है, जनता का ही होता है, फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और फिर उसके बाद कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न भागों जैसे स्वास्थ्य विभाग है ना और शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं, यानी उसमें काम करते हैं इन विभागों द्वारा। अब जैसे आप जानते हैं कि हमारे दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मनीष सिसोदिया है ना, हमारे दिल्ली के CM कौन है, केजरीवाल जी हैं। तो क्या ये सबको अलग अलग काम दे दिया जाता है, फिर वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं, ठीक है, और वो वही काम को अंजाम देते हैं जिसका फिर पूरा बायोडाटा कौन लेता है, वो लेते हैं आपके CM, यानी कि जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है, लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ देखिए लिखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी कर सकते हैं और विरोध प्रदर्शित करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आगे देखिए यहाँ लिखा है कि गतिविधियों के द्वारा बताइए कि ये क्या काम है। तो देखिए शिक्षा विभाग, तो इनके क्या कार्य होंगे, अगर कोई शिक्षा विभाग का मंत्री है तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पर वो शिक्षा के काम करेगा। ठीक है, यानी शिक्षा के लिए कार्य, यानी वो काम जो शिक्षा के लिए किया जाएगा उसका पूरा फोकस जो होगा वो किस पे होगा, शिक्षा पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, कृषि विभाग, तो वो किस पे करेगा, वो किसानों के लिए करेगा, यानी कृषि के ऊपर करेगा, खेती बाड़ी है ना, तो किसके लिए करेगा, कृषि के लिए। ठीक है, कृषि के लिए कार्य, विकास कार्य है ना, कि वो कैसे कृषि का विकास कर सकते हैं, किसी तरह से अच्छा कर सकते हैं। ठीक, ऐसे लिखा है, लोक निर्माण विभाग, अब लोक निर्माण का मतलब क्या है, जो लोगों के लिए काम करे, एग्जांपल के तौर पे पार्क बनाना है ना, सड़कें बनाना, तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम कौन करता है, ये आपके लोक निर्माण वाले करते हैं। अब आपका नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य विभाग, तो ये आपके स्वास्थ्य रिलेटेड करता है, हॉस्पिटल्स बनाना, दवाई खाने खुलवाना है ना, ये सारी चीज़ें आप लोग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसी के साथ ये एक्टिविटी दी गई है कि अब आप सरकार के द्वारा जो काम हो रहे हैं उनके न्यूज़पेपर से कटिंग को लेना है और कोलाज बनाना है। ठीक है, तो आप लोग बना लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए अब यहाँ लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न लिखा है, सरकार शब्द से आप क्या समझते हैं, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि आमतौर पर जो सरकार शब्द का इस्तेमाल होता है वो कुछ सरकारी भागों और विभिन्न मंत्रियों से होता है जो उसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सरकार को चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपका लिखा हुआ है, किसी राज्य के विभिन्न विभागों का और मंत्रियों का जो सबसे हेड होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? सामूहिक प्रमुख है उसको क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो सरकारी विभागों और उसके अलग अलग मंत्रियों का क्या होता है, हेड होता है, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अभी यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, उपयुक्त कॉलम में लिखिए, यह विधायिका है या कार्यपालिका है, ठीक है। तो देखिए सरकारी विभाग और विभिन्न मंत्री, तो किस में आते हैं ये सब आ जाएंगे आपके कार्यपालिका में, ठीक है। विधानसभा में विधायक, तो ये विधायिका हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कानून बनाना, किसका काम है कानून बनाना, ये है आपका कार्यपालिका का काम, ठीक है। और कानून को लागू करना किसका काम है, ये है आपका विधायिका काम। तो दोनों को आप लिख लेंगे आसानी से। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।